सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਆਲੂ। ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਿਤਰਾ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੀਏ, तीन प्याज लवांगी, मीडियम साइज़ के प्याज, एक लसन की गंढी छिली है मैं, दो टमाटर लवांगी, तो दो टुकड़े मैं अदरक दे लवांगी, देखो डेढ़ डेढ़ टुकड़े ने। हुण सर्दियां आ गई ना, अदरक तो वधिया मिली जाएगा क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना, सब्जियां वधू आने लग गई ने। तो हरी मिर्च है, हरी मिर्च आपां वधिया तरह लवांगे क्योंकि जिहड़ी आलू की सब्जी है ना, ये थोड़ी करारी होवे तां ही सवाद लगती है। तो चार मैं आलू लै रही हूँ, पील ऑफ कर लूँगी मैं, हमने ये पील ऑफ करूँगी। आलू की सब्जी मैं इस करके बनाने लगी क्योंकि एक दो बार ना मैं जब किसी के घर गई हाँ तो उत्थे जो आलू की सब्जी खाई दी है ना, तो आलू की सब्जी ना एवं मतलब कि टेस्टी नहीं होंगी हैगी। आलू वखरे होणगे तो तरी जी फदक फदक करती होंगी, यानी पतली जी तरी होंगी ना, तो वह कोई टेस्ट रंग होंगे तो ना ही वह कोई टेस्ट हों। आलूआं फो तो फिर जी सब्जी गाढ़ी होंगी है, तो इस करके मैं सोचा चलो भी जी आलू की सब्जी की वीडियो ना आप शेयर कर लीए। तो अगर एक मेरे डैडी ना मेरे हाथ जी आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो यह कह लगे चल अज ना आलू की सब्जी बना दे तू। मैं चलो अपना अपने व्यूअर नाल भी शेयर कर लेंगे क्योंकि जी कई बार ऐ होंगे ना कोई सब्जी घर नहीं होंगी हैगी है ना, तो फिर आप सोचते चलो आलूआं की सब्जी बना लीए, आलू आलू बड़िया बना लिया, फिर बड़िया होना हो मान लो कल आलू पे हो बाकी का समान पिया हो तो फिर सोची था चलो आलू ही बना लेने क्योंकि आलू स्वाद भी लगते हैं ना। आलू ने पील ऑफ हो चुके ने, हूँ इन्हों मैं कट लाँगी। हूँ मैं आलू कट चुकी हूँ, हमें इस बारे समान मैं तैयार कर लाँगी तड़के वास्ते। तड़का लाने वास्ते सारा समान तैयार है। टमाटर की मैं प्यूरी बना ली, अदरक लसन तो हरी मिर्च मैं कट्ठे ब्लेंड कर लेने, तो इन्हों मैं चॉप कर लिया प्याजा, तो आलू मैं पहले कट्टे हुए से। हाई फ्लेम पर आप जो सारा काम करेंगे, फ्लेम कर लेंगे आप हाई, तो जोड़ा सारा तड़का मैं बनावा ना हाई फ्लेम पर बनावगी। एक कड़छी लवाऊंगी मैं तेल, एक चम्मच कसूरी मेथी है, आधा चम्मच जीरा है, तो इन्होंने दोनों मैं कट्ठे पा दूँगी भुनना। ये जी सब्जी ना बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है, तो ना संघनी भी बनेगी। ये जी फदक फदक रही ना, एक तो लगता कचज्जे बंदे ने काम किया है, एक बंदा सोचेगा कि ना तो कोई स्वाद है ना ही कोई रंगत है, मेरे तो उतना नहीं वेख खाने जी करता है। हूँ जोड़ा लसन अदरक तो हरी मिर्च का पेस्ट पा देंगे, हमें इन्हों पहले भुजन दवाने, जो ये जो खुशबू आनी शुरू होगी ना फिर आप प्याज पाड़ा है, ये कच्चे पाओगे ना फिर वो प्याज जो ना अपना पानी छड़ देंगे ना, फिर बढ़िया तरह नहीं हो पाते हैं, इन्हों थोड़ा पक्कन देना है, बिल्कुल कच्चे नहीं सटना है। आलू की सब्जी ता ही नहीं वधिया बनती है। अदरक लसन तो हरी मिर्च अपने पक चुके ने, तो हूँ जो प्याज पा देंगे आप एवं चॉप ना करो तो ब्रिक ब्रिक काट लो या हल्का जो ब्लेंड कर लो, मतलब कि बिल्कुल प्यूरी ना बनाया जो हल्का ब्लेंड कर लो, खड़े खड़े रहन ना थोड़े प्याज तो वधिया लग रहे हैं सब्जी के। हुण इन्हां प्याजां अच्छी तरह होन देवांगे लाल, नमक पा लग गए डेढ़ चम्मच नमक, तो नाल जो तड़का ना जल्दी बन जाता है, एक कम सुता हुआ मैं सोच रही सुते सुते काम जल्दी जल्दी हो गए, जागदा हो ना फिर आवाजा मार कर मम्मा मम्मा मम्मा। हम जड़े तड़का बन के तैयार है, देखो तो हूँ ये मैं टमाटर पा दूंगी,
ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਤੋ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲਦੀ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ एक चम्मच जरा मीट मसाला पावगी तो हम तो यह ना सोचो कि हाए मीट मसाला अभी तो वैष्णो असं तो मीट मसाला खाते नहीं मसाले सारे वैज होंगे ने वेखो तू कि भी कोई और नहीं होएगा इतने मसालों में लिखा होंगे कि केड़े केड़े मसाले ये यूज किए गए हैं ठीक है ये कोई और नहीं होंगे मीट नहीं मिले होंगे जे जरा गर्म मसाला होंगे ना सिर्फ ये रतन जोत एक्सट्रा मिला लेंगे आम बनता है मीट मसाला फ्लेवर अलग अलग होंगे ने क्योंकि छोले मसाला अलग अलग होंगे सांबर मसाला अलग होंगे इस तरह ही मीट मसाला होंगे ना तो छोले मसाले में छोले मिले होंगे ना सांबर मसाले में सांबर मिले होंगे ठीक है हम इन पक्का दूंगे हाई फ्लेम से मसाले देखो साइड से जो थोड़ा थोड़ा तेल आना शुरू हो गया तो थोड़े जो मैं पानी भी ऐड करूंगी ताकि तेल जो वजिए करा दी मसाले ना अलग हो जाएगा तेल तेल थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा ता ही जी सब्जी रंगत आंगत नहीं आती है फटाफट सारा कुछ मिला दोगे ना कच्चे पक्का सारा कुछ इकट्ठा कर दोगे फिर वही फदक फदक सब्जी बनती है सब्जी कभी भी वधिया नहीं बनती है थोड़ी देर उन्होंने पकन दो जरा तेल है वखरा होना शुरू हो गया हूँ सब्जी की रंगत आएगी क्यों ना आएगी दिखाओ क्लोज कर देखो देखो कट्ठी के कोल वेखो नीचे से जरा तेल आ गया सारा और मैं आलू मिक्स कर दाँगी पानी पा के मैं आलू रखे हुए थे ताकि काले ना पै जाने क्योंकि आलू तो सारे ने पता है स्टार्च होता है तो इस करके काले पै जाते हैं अजक मैं कभी थोड़ा खराब रहती इस करके जी वीडियो लेट हो जाती कई बार तो हम अगर तो जी वीडियो जी टाइम तैयार करेगी हम खुशबू बहुत सोहनी आ रही है तो कलर भी सब्जी का वधिया आ गया तो हूँ मैं पानी पा दाँगी तरी जिनी को बनानी हो ना उस हिसाब से पानी पा देना मैं आधा डोंगा पानी पाया आ देखो अगर कड़छी फिर दी ना ता ही देखो किन्नी सोहनी मोटी मोटी तरी लगती पी ना जो पक के तैयार हो जाएगा उदो कि सोहना लगेगा थोड़ा जो और पानी पा लें कि ताड़ी तसली हो जाए ना कि सब्जी वाकई वधिया बनी है अद्धे डोंगे तो थोड़े ज़्यादा पानी है हम सीटी दो आन की वेट करांगे आपां इहनूं मीडियम फ्लेम ते कर देना मीडियम फ्लेम ते करता मैं दो सीटी आ चुकी हैं हुण मैं कुकर खोल रही हाँ स्टीम जी रिलीज हो गई खुशबू बड़ी सोहनी आई है वाह कलर वेखो क्या होंगी आलू की सब्जी तरी जाने देखो रंग वधिया कितनी सोहनी लगती पी ना आलू का भी पता लगता पे और सब्जी का भी पता लगता पे कि तरी हैगी है सब्जी की रंगत भी कितनी सोहनी है और ये धनिया भी पाने की लोड़ नहीं पी तुम ए सोचो कि ना धनिया नहीं पाया है धनिया पाने की लोड़ ही नहीं पी है कसूरी मेथी पान करके ना एम लगता है धनिया में ही पाया होंगे कसूरी मेथी जी धनिया का भी कम करके इतने जान बुझ के मैं धनिया नहीं पाया है।